अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल ख़ास होने वाला है दोस्तों। आप लोगों को इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं, जैसा कि दोस्तों ये कार्ड मेरा देख सकते हैं, यहां पे जो है कि इसका स्क्रैच लग गया है, ये एटीएम में काम नहीं कर रहा है। और हमारे पास दोस्तों ये कार्ड को सही करने के लिए टाइम नहीं है, हमें बैंक जाना होगा, दूसरा कार्ड बनाना होगा। अभी फ़िलहाल ये एटीएम में काम नहीं कर रहा दोस्तों, तो मुझे अगर कैश का ज़रूरत है तो मैं किस तरह से पैसा निकाल सकता हूँ, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप बिना एटीएम कार्ड का भी अपना एटीएम से, एनसीबी एटीएम से या किसी भी एटीएम से दोस्तों, अगर आपके पास एनसीबी अकाउंट है, एनसीबी मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों क्विक पे का, तो आप कहीं से भी दोस्तों पैसा निकाल सकते हैं बिना एटीएम कार्ड का। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास एनसीबी क्विक पे का अकाउंट है तो आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। और दूसरा बात दोस्तों, अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं और जो है कि उसका पास कोई अकाउंट वगैरह नहीं है, तो दोस्तों इसी वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे पैसा भेज सकते हैं, वो किसी भी एटीएम में, अपना नज़दीकी किसी भी एटीएम में जाके पैसा निकाल सकता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, चलते हैं अपना मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना एनसीबी एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, यहाँ पे एनसीबी एप्लीकेशन जैसे ही खुल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद दोस्तों लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर दिया हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे OTP कोड आता है, OTP कोड यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ और उसके बाद मेरा NCB एप्लीकेशन खुल जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आपको लास्ट तक देखना ये वीडियो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, फिर आप हमें कंप्लेन करेंगे। चलिए मेरा एप्लीकेशन खुल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो इमरजेंसी कैश का बटन है दोस्तों, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल स्टेप है, क्लिक करने के बाद अमाउंट जो ऊपर में लिखा हुआ दोस्तों, आपको कितना रुपया निकालना है, जैसे कि मुझे 400 रियाल निकालना है तो यहाँ पे 400 रियाल हम यहाँ पे डायल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे दोस्तों ट्रांजेक्शन पिन जो है दोस्तों, आप अपना मर्जी से कुछ भी 10 10 20 कुछ भी, यानी 4 लेटर का आप डाल सकते हैं, 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे 10 10 डायल कर दिए, उसके बाद ओके कर दिए। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे इमरजेंसी कैश का OTP कोड आएगा, वो OTP कोड हमको यहाँ पे इनपुट SMS कोड पे क्लिक कर देना है। बस थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों कुछ ही सेकंड में आपको इनपुट सक्सेसफुली आपको ऊपर में देख सकते हैं बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों फिनिश का ऑप्शन है, फिनिश का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर में रेफरेंस कोड आप देख सकते हैं, ये रेफरेंस कोड आपको जानना ज़रूरी है, ये आपको लिख कर ले लेना है, आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ATM के पास चले गए, अपना नज़दीकी ATM के पास, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कोई एक बटन को क्लिक किए, उसके बाद दोस्तों इंग्लिश पे क्लिक करना है, इंग्लिश पे क्लिक कर दिए, उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी क्या सेंड लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद जो नंबर अपना 4 डिजिट का हम डाले थे, जैसे 1010 वो डायल कर देना है, उसके बाद करेक्ट का बटन क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों रेफरेंस नंबर जो था वो 59 जो वहाँ पे आप देखे थे, जो ऊपर में लिखा हुआ था, नीचे अमाउंट था, ऊपर में रेफरेंस नंबर, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए मैं भी अपना रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ, 5997 8 5 9 8। उसके बाद दोस्तों करेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल करके करेक्ट का ऑप्शन में क्लिक करना है। दोस्तों अगर किसी को आपको पैसा भेजना चाहते हैं और जिसके पास अकाउंट नहीं है दोस्तों, उसको आपको वो नंबर 4 डिजिट का जो आप किए हैं, उसके बाद रेफरेंस नंबर दोस्तों और आपका अकाउंट नंबर दे देना, वो भी इसी तरह से जाएगा नज़दीकी ATM पे, इस तरह से डायल करके अकाउंट नंबर डाल के करेक्ट पे क्लिक कर देगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो है कि नीचे यहाँ पे ATM कार्ड वगैरह कुछ नहीं डाला हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 400 रियाल मेरा अभी जो है कि ATM से निकलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप भी जो है कि अप्लाई करके आप पैसा निकाल सकते हैं बिना ATM का। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।